हम लोगों ने भी इलाहाबाद में एक नागरिक अधिकार मंच नाम से एक कमेटी बना के एक कार्यक्रम किया था और एक बुकलेट निकाली थी, और उस बुकलेट में जिन भी लोगों ने इसके खिलाफ में आंकड़ों सहित लेख लिखा था उसको हमने प्रकाशित किया था। और ये इसलिए कि ताकि बाकी लोगों को भी, आम लोगों को भी पता चले कि ऑपरेशन ग्रीन हंट दरअसल है क्या। ये कार्यक्रम यहाँ हुआ था 19 जनवरी 2010 को, मतलब हमारी गिरफ्तारी के जस्ट 14-15 दिन पहले हुआ था। तो मतलब हमारा ऐसा मानना है, और जैसा हमारे जैसे सोचने वाले लोगों का और ज़्यादा इस तरह से मानना है कि इस कार्यक्रम के कारण ही और इस क्रिया के कारण ही हम लोगों की गिरफ्तारी हुई 6 फरवरी को। हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद सीमा आज़ाद जेल से बाहर आ चुकी हैं। जेल के अंदर 2.5 साल उन्होंने गुजारे। सीमा ने बताया कि तुमने अजीत इकलौती फिल्म बनाई थी मेरे जेल के रहने को दौरान, और उनकी आवाज़ें बहुत दूर तक पहुंची। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर सीमा के ऊपर ये जो फिल्म मैंने बनाई थी इकलौती थी, जो कि इंडियन हट पर पब्लिश हुई। हमारी ये जिम्मेदारी भी बढ़ गई है, हमारी ये जिम्मेदारी है भी कि हम इस मतलब इस चीज़ को जो हमें प्रतीक बनाया गया है इस माध्यम से इसका विरोध भी करें। मतलब ये राजकीय दमन का के प्रतिरोध के लिए अपनी आवाज़ को पहले से और ज़्यादा बुलंद करें, तो ये हमारी जिम्मेदारी है। और भविष्य की जो हमारी योजना है वो उसमें ये एक महत्वपूर्ण रूप से शामिल हो चुकी है। सजा के बाद जो है पूरे देश में इतना ज़्यादा हम लोगों के फेवर में जो है प्रदर्शन हुए, तो अभी तो जो स्थिति है कि विभिन्न जगहों पर जिन लोगों ने हम लोगों की रिहाई के लिए आवाज़ बुलंद की और लोअर कोर्ट के अन्यायपूर्ण फैसले के खिलाफ लोगों ने जो आवाज़ बुलंद की और हाई कोर्ट के जो जमानत मिली, तो लगता है कि जो है मतलब कि अभी हम लोगों के अनुकूल जो है माहौल है। जैसा कि वो कहती हैं कि हम चाहते हैं कि जहां भी इस तरह की बातें हो रही हैं, अन्याय की बातें हो रही हैं, उनके लिए लोग बोलें, उनके हक में लोग खड़े हों, ताकि लोगों की ज़िंदगी बेहतर हो सके। मैं अजीत बहादुर, इंडिया अनहर्ड के लिए उत्तर प्रदेश से।